हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का वोकैब ऑफ द डे स्टार्ट करते हैं। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है एबोमिनेट। ओके, एबोमिनेट का क्या मतलब होता है? ठीक है, देखिए आप लोग पहले ये जो इमेज है इसको देख के समझिए। इसमें जो ये चिल्ड्रन ये चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसके सामने जो सब्जी रखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं कि कितना इसको देख के इसको गुस्सा आ रहा है। तो इसका मतलब होता है, यह एक, पहले तो देख लीजिए आप, यह एक एबोमिनेट एक वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब होता है टू हैव एन इंटेंस डिसलाइक और हेटरेड फॉर। मतलब टू हैव एन इंटेंस डिसलाइक, एक तो आप लोगों ने सुना होगा वर्ड होता है हेट। ठीक, हेट, तो हेट मतलब होता है नफरत करना। हेट का ये इंटेंस रूप है, मतलब बहुत ज़्यादा किसी से नफरत करना। टू हैव एन इंटेंस डिसलाइक मतलब किसी चीज़ के लिए इंटेंस डिसलाइक, बहुत ज़्यादा नफरत होना। और हेटरेड फॉर मतलब किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा नफरत होना या घृणा होना, उस वर्ब के लिए, उसके लिए वर्ब का यूज़ करते हैं एबोमिनेट का। ओके, तो अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो बच्चा है इसके सामने सब्जी जो रखी हुई है इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही एबोमिनेट्स दिस सब्जी। ओके, तो इसका मतलब समझ गए होंगे। एबोमिनेट मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करना। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स हैं लोथ, फर्स्ट वन इज़ लोथ। ओके, और सेकंड वन इज़ एबोर, ABHOR, ये भी इसका सिनोनिम है। और नेक्स्ट वन इज़ डिस्पाइज, डिस्पाइज माने भी होता है किसी चीज़ से बहुत नफरत करना। एंड डिटेस्ट, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। आपको एबोमिनेट्स भी आना चाहिए, एबोमिनेट भी आना चाहिए, डिस्पाइज भी आना चाहिए, डिटेस्ट भी आना चाहिए, एबोर हो गया और लोथ, ये सारे वर्ब हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, तो अगर आप कहीं नोट करते हैं तो ये वर्ड और इसके साथ ये चार वर्ड और ये पांच वर्ड्स को नोट कर लीजिए। एबोमिनेट, उसके आगे लिखिए इसका मीनिंग और उसके आगे सिनोनिम्स। इस तरीके जो मैं बता रहा हूँ, आप इसको प्रोसेस को डेली फॉलो करिए, क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग दिन में 4-5 मिनट निकाल के जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे अगर आप डेली का डेली ऐसा करते जाएंगे, अगर डेली का डेली आप वीडियो बनाएंगे, तो आगे लॉन्ग टर्म में आपको 1-2 महीने बाद आपको खुद इसमें एंजॉय आने लगेगा। आपको वर्ड्स जो हैं वो बोझ नहीं लगेंगे। तो जो एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, या फिर नॉर्मली भी ये इंग्लिश है, इंग्लिश का काफ़ी महत्व होता है आम जीवन में, तो आप इसको डेली रूटीन का एक पार्ट बना सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें भी आपको हेल्प होगी। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे, उससे पहले इसके एंटोनियम्स पे भी एक बार नज़र मार लेते हैं। रेलिस, रेलिस मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत पसंद करना। ठीक है, सेवर माने भी होता है किसी चीज़ को पसंद करना, चेरिस भी वही होता है, और एस्टीम यानी कि ये होते हैं किसी चीज़ को बहुत पसंद करना। और ये हेटरेड जो एबोमिनेट है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को नफरत करना, बहुत नफरत करना। ठीक है, तो इन ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, हम लोग देखते हैं इसके एग्जांपल्स। ठीक है, दे आर पॉलिटिकल राइवल्स, फर्स्ट एग्जांपल ये है, दे आर पॉलिटिकल राइवल्स हु ट्रूली एबोमिनेट ईच अदर। मतलब कोई दो लोग हैं, दे आर पॉलिटिकल राइवल्स, मतलब दो लोग हैं पॉलिटिकल राइवल हैं। आप लोग जान सकते हैं, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो कोई भी दो लोग हो सकते हैं जो पॉलिटिकल राइवल, राइवल मतलब दुश्मन, मतलब एक दूसरे के अपोजिट, अपोनेंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, हु ट्रूली एबोमिनेट ईच अदर, तो सीधी सी बात है, अगर दो पॉलिटिकल राइवल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के, तो वो आपस में आम बात है कि वो एक दूसरे से काफ़ी नफरत करते होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, फॉर मतलब एग्जांपल नहीं लूँगा मैं, लेकिन एबोमिनेट आप समझ सकते हैं, कोई भी दो आप पॉलिटिकल लीडर्स ले लीजिए जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, वहाँ पर एबोमिनेट का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नफरत करना। एबोमिनेट का कर सकते हैं, डिस्पाइज का कर सकते हैं, डिटेस्ट का कर सकते हैं, लोथ का कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ आपको बता दूं, ये जो वर्ड है लोथ, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी से नफरत करना। और एक कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक वर्ड और होता है LOATH, ठीक है, लोथ। इसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है, इसका जो LOATH लोथ वर्ड है, इसका मतलब होता है अनविलिंग, रिलक्टेंट, मतलब किसी चीज़ को करने का जो इच्छुक नहीं हो, अनविलिंग यानी इसकी इच्छा ना हो, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लोथ शब्द का। ठीक है, और इसकी मतलब इच्छा हो तो विलिंग हो ही गया, लेकिन इसमें ध्यान रखिए जो अंतर क्या है, यहाँ पर ई नहीं है, यहाँ पर ई है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस वाले शब्द में ई है और इसमें ई का यूज़ नहीं है। अगर ई है तो इसका मतलब है वहाँ पर बात की जा रही एबोमिनेट की, यानी बहुत ज़्यादा नफरत करने की।
और अगर ई नहीं है इसका मतलब वहाँ बात की जा रही है अनविलिंग की, यानी कि जो मतलब इच्छा नहीं है किसी की कोई कार्य करने की, उस व्यक्ति के लिए लोथ का यूज़ करते हैं यानी कि अनविलिंग। तो आप ये कन्फ्यूज़न ना हो कभी इसमें आए तो आप सोचें कि मैंने तो घृणा करना बताया था, लेकिन ई का फ़र्क है उसका आप ध्यान रखिए, अगर ई है तो नफरत करना होता है। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं अपना, चिल्ड्रन एबोमिनेट द आइडिया ऑफ फोर्सिंग देयर पेरेंट्स टू स्टडी इवन वैन दे डोंट फील लाइक टू डू सो। तो ऐसा अगर आप लोग पहले बच्चे रहे हों, ठीक है, या आपके कुछ बच्चे हों, ठीक है, या कोई कज़िन वगैरह के बच्चे हों, आपके नेफ्यू नीस वगैरह कोई भी हो, तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इस फैक्ट को जो इसमें लिखा हुआ है, चिल्ड्रन एबोमिनेट द आइडिया ऑफ फोर्सिंग देयर पेरेंट्स, मतलब बच्चे हैं उनको ये बहुत नफ़रत होती है इस चीज़ से, एबोमिनेट मतलब वो नफ़रत करते हैं इस चीज़ से जब उनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो भी तब इवन वैन, वो भी तब दे डोंट फील लाइक टू डू सो, मतलब जब उनका मन ना हो पढ़ाई करने का, वो खेलना चाहते हो या कोई भी काम करना चाहते हो, कोई टीवी देखना चाहते हो, कार्टून देखना चाहते हो, और उनका पढ़ाई का उस टाइम मन ना हो, फिर भी, या आप भी जब भी कभी बच्चे रहे हों, मतलब फिर भी अगर ज़बरदस्ती आपको बैठा दिया जाता है तो आप उस चीज़ से बहुत नफ़रत करते हैं, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो मैंने लिया हुआ है, एबोमिनेट यानी कि मतलब इस चीज़ से काफ़ी नफ़रत करते हैं बच्चे, ठीक है। ये एग्जाम्पल ऊपर एक लिया है, दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, तो आप लोग कोई भी अपनी तरफ से एक एग्ज़ाम्पल लेके आम जो नॉर्मल लाइफ है हम लोग की और जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कई सारे एग्जाम्पल आपको इस चीज़ के मिल सकते हैं जिसमें एबोमिनेट का यूज़ होगा। तो आप लोग क्या करिए, कोई भी एग्ज़ाम्पल लीजिए और एक कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, और ये आप मेरे फ़ायदे के लिए नहीं करेंगे, अगर इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ आप अगर इसको यूज़ करेंगे अपने शब्दों में, और अगर आप ऐसा रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश में फ़ायदा होगा, आपकी वोकैब मजबूत होगी, ना केवल मजबूत होगी बल्कि आप एक बार जब यूज़ कर लेते हैं उस सेंटेंस को वर्ड्स में तो उसको भूलते नहीं हैं। एप्लीकेशन इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश, ठीक है। आप जो भी सीखते हैं उसका एप्लीकेशन कीजिया करिए, मतलब उस चीज़ को अप्लाई किया करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही डेली वीडियो में अपलोड करता रहूँगा वोकैब के, आप लोग को डेली 2-3 वर्ड्स नए सीखने को मिलेंगे, और 2-4 मिनट का काम है बस, इससे ज़्यादा आपको वीडियो देखना भी नहीं है, ज़्यादा लेंथी मैं वैसे भी नहीं बनाता हूँ। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, और आप अपने जो भी सेंटेंस बनाए इस वर्ड को यूज़ करके उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।